शेयर कर दूं। अगर इंटरेस्टेड हैं इस जॉब से रिलेटेड, एलिजिबल हैं आपके लाइक ये जॉब है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में, आप श्रीलंका में, आप बांग्लादेश में, आप दुबई में भी हैं, कोई भी कंट्री का बंदा अगर आप दुबई में हैं, आपके पास जॉब नहीं है, या फिर आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, या जॉब क्विट करके दूसरा जॉब पकड़ने की सोच रहे हैं, तो इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। दो तीन तरह के जॉब हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट में मैं बता दूं साथियों, एल्यूमिनियम सुपरवाइजर, मैंने एक दो वीडियो पहले भी डाला था, सुपरवाइजर से रिलेटेड कितनी सैलरी मिलती है, गलब से रिलेटेड मैंने ये बात आपको बताई थी। अभी मैं बता दूं, सुपरवाइजरी का ये जॉब आज ही मेरे मोबाइल पे आया है। चाहे तो आप दुबई में हो, कोई भी कंट्री का बंदा हो, दुबई में हो, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एल्यूमिनियम से रिलेटेड ये जॉब है सुपरवाइजरी, ठीक है साथियों, क्योंकि हर कैटेगरी में, हर सिस्टम में अलग अलग सुपरवाइजरी होती है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। इसमें मैं बता दूं आपको, सैलरी की बात करूं, 1580 दुबई दराम 1500 सैलरी मिलेगी, रहना आपको मिल जाएगा, अकोमोडेशन जिसको बोलते हैं, प्लस खाना इसमें आपका रहेगा, ठीक है साथियों, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट, 2 साल का वीजा वगैरह, वो प्रोसेस तो होता ही है, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो मेरे ड्यूटी रहेगी इसमें, साफ बता दूँ 10 घंटे की इसमें ड्यूटी रहेगी, ठीक है साथियों। आगे बात करूं साथियों, अभी सर्दी का मौसम धीरे धीरे जाने के बाद में गर्मी का मौसम आने वाला है, तो जो डक्टिंग टेक्नीशियन होते हैं, डक्टिंग का जो काम करते हैं, इसकी सबसे बड़ी मात्रा में डिमांड होती है गल्फ कंट्रियों में, और ख़ास तौर से दुबई में, क्योंकि भाई जहां गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहां एसी चलेगी, एसी चलेगी तो डक्टिंग ड्राफ्ट जो डक्टिंग टेक्नीशियन होते हैं, डक्टिंग बता दूँ जो काम करते हैं उनको तो पता ही है, जो नए लोग देखते हैं उनको बता दूँ, जो कमरे के अंदर बड़ी बड़ी एशिया लगती है, जो छत के ऊपर बड़े बड़े जो गुब्बारे टाइप के होते हैं, लोहे के बनते हैं, वो पाइपों के द्वारा वो हवा आती है, आपने देखा होगा बड़े शोरूमों में, उसको डक्टिंग बोलते हैं। अगर आप उस काम को, आपको काम आता है पूरा, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं, तो 1500 दुबई दराम आपको सैलरी इसमें मिल जाएगी, ठीक है साथियों, प्लस आपका ओवर टाइम भी इसमें शामिल है। तो ओवर टाइम करके बंदा 1500 का 30,000, तो सीधा सीधा बंदा ओवर टाइम करके बंदा 35,000 तक आराम से इसमें कमा सकता है। प्लस आपको रहना, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस, 2 साल का वीजा वगैरह सब कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगा। वो अगर इंटरेस्टेड हैं इंडिया से, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी हो, आप दुबई में हैं तो आप वहीं का वहीं ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, या फिर इंडिया में हैं तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। थर्ड नंबर पे बात करूंगा, थर्ड नंबर है अकाउंटेंट से रिलेटेड है। अगर आप अकाउंटेंट हैं, आपको एक्सपीरियंस है इंडिया में, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है अकाउंट से रिलेटेड, 5-6 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में है, तो आप इसमें अच्छा स्कोप दुबई में अकाउंटेंट से रिलेटेड मिल जाता है। लेकिन बंदे को क्या, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, आप जाते हैं तो भाई सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि 25-30 हज़ार एक अकाउंटेंट यहाँ इंडिया में लगभग नॉर्मली कमा लेता है स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग भी दुबई में इतने से होती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद टाइम थोड़ा निकलता है, तो बंदा एक्सपीरियंस होता है तो सैलरी वगैरह बढ़ जाती है। लेकिन इसमें अच्छी सैलरी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में, 4,000 दुबई दराम सैलरी मिल जाएगी, यानी 70 से 80 हज़ार रुपये अकाउंटेंट का इसमें बताया गया है, ठीक है साथियों। प्लस 10 घंटे इसमें ड्यूटी बताई है, अकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल इंश्योरेंस वीजा वगैरह वो आपको 2 साल का मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी कंट्री से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नंबर मेरे से ले सकते हैं, दुबई में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, ये 3 कैटेगरी मेरे मोबाइल पर आई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन कैटेगरियों में, जॉब में जाने से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत के हिसाब से आपका इसमें जॉब आपको मिल सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर लेके आप बात कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज इसी तरह के टॉपिक पर आपको सही जानकारी सही